हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देख सकते हो कि हम सो करके उठे हैं और सही से मुंह भी नहीं धोया हूँ, बस ऐसे ही कुराली लिया और सवेरे सवेरे चल दिया खेत की ओर। कल जहाँ काम कर रहा था वहीं पे थोड़ा बहुत रह गया था, छोड़ करके मैं भाग गया था कल। तो आज चल रहे हैं उसमें, मूँग की बुआई की जाएगी। मूँग डाल करके फिर से एक बार उसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से ही कुदाली चलाना पड़ेगा। तो चल रहे हैं और आपको दिखाऊँ कि मैं पीछे से चल रहा हूँ, मेरी दादी है वो आगे से जा रही है मूंग लेकर के। तो दिखाता हूँ मैं आपको, इधर ये जा रही है मेरी दादी आगे आगे और मैं चल रहा हूँ साथ में। भाई तो मैं देख सकते हो खेत पहुँच चुका हूँ और ये लगभग मैं ख़त्म ही हो चुका था। इसमें सारे पे कुदाली चल रखा है, बाकी थोड़ा सा मैं छोड़ के चला गया था। दिखाता हूँ आपको कितना ही रह गया था, बस ये इतना रह गया था, ये यहाँ से लेकर के ये बस इतना आपको इसमें दिख रहा होगा, बस इतना ऐसे ही छोड़ के चला गया था क्योंकि शरीर बहुत दर्द करने लगा था तो छोड़ दिया था भाई। तो इसको अभी कर देंगे और इसमें क्या होगा, मूंग की बुआई करके इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से ही कुदाली हल्का हल्का चलाना होगा जिससे कि मूंग झप जाए मिट्टी से। तो अभी तक मेरी दादी नहीं आई है, उसके आने के बाद ही हम काम करेंगे। तो अभी तक दादी हमारी पीछे लगी रहेगी लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा धीरे चलती हैं, एज हो गया है। तो और सड़क है उस पर गिट्टी ऐसे निकल रखा है पत्थर जैसे, तो पैर में चुभता रहता है। वो चप्पल भी नहीं पहन रखी है इसी कारण शायद पीछे रह गई होगी। तो आ रहे हैं, जब तक मेरी दादी आ रही है जब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा उनका। चलिए हम यहीं पे बैठते हैं, देख सकते हो बस इतना सा रह गया ये। यार कल ही कर देता, अब पछता रहा हूँ कि बस ये बस इतना सा रह गया। जी मेरी दादी आ रही है, दिख रहा ये आ रही है मेरी दादी आ रही है। तो जल्दी से आएगी तो फिर इसमें मूँग छिटा जाएगा, फिर हम इस पर कुदाली चलाएँगे। तो जब तक मैं रुका हुआ हूँ खेत में से ही, देख सकते हो ये खेत में आ चुका है हमारा मूंग। ये रहा मूंग और इसमें क्या है, मूंग है पोलोथिन में भी और इसमें खाद है, मूंग नहीं है खाद है इसमें, ये मूंग रहा। तो इसको इसमें बुआई किया जाएगा, छीटा जाएगा इसे, फिर कुदाली चलाया जाएगा। तो चलिए पहले खाद को हटा दिया और खाद वाले पोलोथिन में ही उसकी बीज रखा हुआ है, क्या नाम है उसका यार, साग का बीज रखा हुआ है। तो मेरी दादी मूंग छीटना यानी मूंग की बुआई करना प्रारंभ कर दी है, तो जल्दी जल्दी में ये अपना काम कर रही है। तो देखते हैं कब तक होता है, उसके बाद फिर आपको दिखा दूँ कि थोड़ा इस जो है ना साइड से साग की बुआई किया जाएगा, जितना भी ये पगडंडी है उसके साइड साइड से साग और थोड़ा सा यहाँ पर मेड़ जैसे बनेगा और उसमें भिंडी की बुआई की जाएगी। तो पहले आपको दिखाऊँगा, तो मूँग की बुआई करने के बाद देख सकते हो इसमें लेकर के मेरी दादी साग की बुआई कर रहा है। ये किनारे किनारे धूर के किनारे किनारे यानी पगडंडी के किनारे किनारे साग की बीची बीज गिरा रही हैं। इसके बाद मैं कुदाली से फिर से इस पर मिट्टी चढ़ाऊँगा थोड़ा थोड़ा करके, ये जितना मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा दिख रहा है सबको फोड़ करके बराबर कर दूँगा। तो ये देख सकते हो ये जो मेड़ जैसे दिया हूँ मैं, तो इसमें भिंडी की बुआई किया जाएगा। और देख सकते हो लगभग मैं खेत का पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है और अब हम चलने वाले हैं घर की ओर। तो घर नहीं जाएंगे, हाँ घर ही जा रहे हैं, पहले उससे पहले हम बाग चलेंगे। बाग में एक धातु लेना है, यार आँख में पसीना आ गया था वही थोड़ा साफ कर रहा था मैं। तो बाग आने के बाद तो एक धातु आज तोड़ ले रहा, कल तो यार भूल गया था, आज तोड़ लेता हूँ एक धातु। देख सकते हो बांस का धातु तोड़ रहा हूँ यार, नीम का कहीं दिखने डर है यार। भाई धातु तोड़ चुका हूँ मैं, देख सकते हो ये बांस का धातु, और चल रहा हूँ फिर घर की ओर कि खेत का काम वहाँ पे हो चुका है और मैं कुदाली जो है ना चाचा को दे दिया वहीं पे, वो खेत में काम करें दूसरे वाले खेत में। तो मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ घर की ओर दातुन करते हुए, तो चलते हैं घर करते हैं दातुन। भाई खेत में डबल मेहनत करना पड़ गया, क्या बताऊँ। कल तो खेत को ऐसे ही कुदाली करा था और दोबारा फिर उस पर मूँग छिटने के बाद उसको फिर से कुदाली चलाना पड़ा। पहले ही अगर मूँग छिट देता तो एक ही बार में काम हो जाता, लेकिन इस बार दोबारा मेरे को काम करना पड़ गया। लेकिन दोबारा करने से शायद हो सकता है तो अच्छा हो, क्योंकि मूंग जो है ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा और मिट्टी के न तो अंदर ज़्यादा न तो ऊपर रहेगा, यानी बीच में रहेगा। वैसे एक ही बार में करता तो हो सकता था कि मूंग नीचे ज़्यादा चला जाए और जन्म वो उसका पौधा बन ना पाए, हो सकता है। तो चलिए फ़िलहाल वो तो हो गया, अब दातुन करते हुए घर जा रहे हैं। भाई अब तो मैं घर पहुंचने वाला हूं, तो देख सकते हो अब घर पहुंच गया हूं मैं, और घर पहुंचने के बाद कुछ देर आराम करूंगा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है, गर्मी का मौसम हो रखा है अब तो। अब खाना वाना खाएंगे, मुंह धो लिया क्योंकि दातुन कर रखा था, आज ब्रश नहीं करना पड़ा तो आते ही मुंह धो लिया। मुंह धोने के बाद अब खाना खाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ कल, जब तक के लिए।